हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये शॉक डो के उठ चुकी है, अभी तक सो रही थी और मैं चाहती थी कि नवू सो जाए और नवू की नींद पूरी हो, क्योंकि जब नवू की नींद पूरी होगी तो फ्रेश माइंड से उठेगी और अच्छे से हमें सपोर्ट करेगी फोटोशूट में। तो आज है हमारा फोटोशूट का दिन और ये मैंने टी शर्ट पहना जिसपे लिखा आई लव माई बेटी, नवू ने टी शर्ट पहना उसमें लिखा आई लव माई डैड बिकॉज नवू लव्स हर डैड। देखिए अभी कैसे स्माइल दे रही है, और इनके भी टी शर्ट पे लिखा है आई लव माई डैडी बेटी, आई लव माई बेटी। तो हम तीनों ने एक जैसा टी शर्ट पहन लिया है और हम आ गए हैं लोकेशन पे, और अभी फोटोग्राफर आने वाले हैं। और हमारे घर से लगभग 1.5 घंटे का रास्ता था, और मुझे होती है ट्रैवलिंग सिकनेस, तो भीतर से तो मेरा मन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जब ट्रैवलिंग सिकनेस मुझे होती है तो मुझे पापा ले लो नवू को। तो गाइज मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है, मतलब मेरा सर दुख रहा है क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग सिकनेस है। तो ट्रैवलिंग सिकनेस में यही होता है मेरे साथ कि मुझे उल्टी आती है और सर बहुत जोर का पकड़ लेता है। तो एक हाथ पे नवू का सुलाए सुलाए और एक हाथ से, मतलब स्पीड में भी हम लोग चल रहे थे, मे बी इस वजह से भी आई एम नॉट फीलिंग वेल। लेकिन एक्साइटमेंट खत्म नहीं करना है, क्योंकि ये मेरी बेटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम लोग प्री बर्थडे शूट करा रहे हैं और हम लोग इसका प्री बर्थडे शूट पे आए हुए हैं। तो चलिए बस उतरती हूँ, मेरे फेस पे तो बहुत पसीना भी आ रहा है और वॉट एवर इट इज़। और मुझे यहाँ गोलगप्पे का ठेला दिख रहा है, तो इफ़ आई हैव गोलगप्पा आई फील बेटर, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं और आपको उल्टी आती है तो कुछ खट्टा ज़रूर खा लेना चाहिए, इससे आप अच्छा फील करते हैं। तो मैं चली गोलगप्पा खाने, और कैसे हम आज शूट कराएंगे और क्या क्या आउटफिट पहनेंगे आप ज़रूर देखिएगा। और सारे प्रॉप्स मैंने खुद लाए हैं, क्योंकि सारा अरेंजमेंट मैं हमेशा खुद करती हूँ, क्योंकि मुझे दूसरों पे भरोसा ही नहीं होता कि कोई अच्छे से करेगा नहीं करेगा। तो बलून्स वगैरह तो घर से ही मैं देखिए फुला के लाई हूँ, डॉल्स वगैरह लाई हूँ नवू का, और सब कुछ मैं खुद करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं, और ये छोटा सा नवू का ऑनलाइन मैंने चश्मा भी मंगा लिया है, तो चलते हैं। गाइस हम लोकेशन पे पहले ही पहुंच गए और लगभग 2 घंटे बाद ही फोटोग्राफर आया, हालांकि ऐसा उसे करना नहीं चाहिए था, बिकॉज अगर आप क्लाइंट को बुलाते हैं तो टाइम पे आपको पहले पहुंचना चाहिए। तो टाइम पास में हमने गोलगप्पा भी खा लिया, और मुझे तो गोलगप्पा बहुत पसंद है और एक रिफ़्रेशमेंट टाइप का फील हो जाता है गोलगप्पा खाने के बाद। ट्रैवलिंग में अगर आप कुछ खट्टा खाए तो उल्टी भी नहीं आती है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा गोलगप्पा खा के। उनका पानी भी बहुत यमी था। मैं और मेरे हस्बैंड जम के गोलगप्पा खाए और फिर भीतर गए फ़ोटोशूट के लिए। और फिर जब फोटोग्राफर्स आए तो मैंने उनको समझा दिया कि कैसे कैसे शूट करना है। इसमें सोच के तो बहुत कुछ गई थी, एक्सपेक्टेशन भी मेरा कुछ ज़्यादा ही हाई था कि ऐसे फ़ोटोज़ निकलेंगे वैसे निकलेंगे, पर हुआ क्या एग्जैक्टली
मैं बता नहीं सकती क्योंकि ट्रैवलिंग की वजह से नवु का मूड भी बहुत अच्छा नहीं था, और जब भी मैं पोज देने बोलती थी अपनी बेटी को तो वो रोने लगती थी। तो आप समझ सकते हैं कि इट्स नॉट दैट ईजी फ़ोटोशूट कराना बच्चे का। उसे चश्मा लगा रही हूँ तो चश्मा खींचने लग रही है। तो कुछ अजीब अजीब किस्सा हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती। हालांकि मैंने बेस्ट वे में प्रिपरेशन किया था, सब कुछ अपने पास से लेके गई थी, बट बच्चे ने साथ नहीं दिया। फिर भी मैंने और फोटोग्राफर्स ने हार नहीं मानी और हम कैसे भी करके फ़ोटोज़ लेते रहे। ये बहुत प्यारी सी पिक आई है नवू की, हालांकि रात हो गई थी, बट समहाउ इट्स नाइस पिक। और ये देखिए काफ़ी प्यारी पिक है, नवू घोड़ा पे बैठी है। ये हमारी बेस्ट फैमिली पिक है, इसमें सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। पापा और बेटी की हमेशा बेस्ट पिक ही आती है, और यहाँ मम्मा बेबी की भी बहुत प्यारी पिक आई है। ये फैमिली पिक बहुत ज़्यादा ही प्यारी आई है। एक एक फ़ोटो का परफेक्ट पोज निकालने में आधा आधा घंटा बीत जा रहा था क्योंकि बेबी कोऑपरेट नहीं कर रही थी, और सम हाउ वी मैनेज्ड। हालांकि ये बेस्ट पिक तो नहीं है, मैं चाहती हूँ कि एक बार और इसका शूट हो, बट जो भी था ये फ़ोटोज़ मेरे दिल के बहुत करीब हैं। तो आप बताइए गाइस कि आपको ये फ़ोटोज़ कैसे लगे। और मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे आने वाला है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं चाहती हूँ कि उसे बेस्ट से बेस्ट चीज़ें दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स गाइस, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।